नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं dilalantop.com। विकलांग सैनिकों के पेंशन के मसले पर अब बवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। इस बवाल की जड़ केंद्र सरकार के इस फैसले में है कि सैनिकों को मिलने वाले इस पेंशन पर अब इनकम टैक्स लगेगा। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक इंटरनल नोट ट्विटर पर सामने आया है। इस नोट में सीतारमण ने जो कहा है उससे साफ होता है कि विकलांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन पर अब टैक्स लगाने का फैसला सही है। क्या और कैसा इंटरनल नोट? किसी मंत्री की अधिकारियों और दूसरे मंत्रियों से बातचीत का ब्यौरा, ऐसे समझ लीजिए। अपने इस नोट को निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। नोट में निर्मला सीतारमण ने पेंशन पाने वाले विकलांग सैनिकों के बारे में और भी बातें कही हैं। निर्मला सीतारमण ने इस नोट में कहा है कि कुछ बेईमान कर्मचारियों ने सिस्टम का काफी शोषण किया है। उन्होंने विकलांग फौजियों को मिलने वाले सरकारी लाभ प्राप्त किए हैं। हाल के वर्षों में सैन्य बलों के कर्मचारी अपने कुछ बीमारियों को विकलांगता दिखाकर टैक्स में छूट लेते देखे जा रहे हैं। विकलांग सैनिकों के पेंशन का मसला क्या है? जो सैनिक अपने सेवाकाल के दौरान किसी वजह से विकलांग हो जाते हैं, अक्सर वो वजहें युद्ध की ही वजहें होती हैं, उन्हें विकलांग पेंशन दिया जाता है क्योंकि वे अशक्त हो जाते हैं अपनी सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए। अब केंद्र सरकार की योजना है कि इस पेंशन को भी आयकर के दायरे में लाया जाए। ये मसला 27 जून को लोकसभा में विपक्ष ने उठाया था, काफी हंगामा हुआ था। कांग्रेस के सांसद अध्यक्ष की सीट के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि 24 जून को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें कहा है सरकार ने कि विकलांग सैनिकों को मिलने वाले पेंशन पर टैक्स लगा है। हल्ला हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि रक्षा मंत्री इस बात का जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और उन्होंने जवाब दिया कि सामाजिक तैयारियों और सेना के हितों को मजबूती प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अब निर्मला सीतारमण का इंटरनल नोट सामने आने के बाद ये देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार इस मसले पर कोई भी यू टर्न लेने के मूड में नहीं है। विकलांग सैनिकों को मिलने वाले पेंशन पर इनकम टैक्स लग कर रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। इस नोट में निर्मला सीतारमण ने अनस्क्रूपलस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका फौरी तौर पर अगर अनुवाद करें तो बेशर्म होगा। और अनुवाद करते हुए पूरी बात बताएं तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुछ बेशर्म लोगों ने विकलांग सैनिकों को दिए जाने वाले पेंशन का गलत फायदा उठाया है। सीतारमण ने कहा है कि अपने सेवाकाल में वास्तव में विकलांग हुए लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी विकलांगता किसी भी तरह की क्यों ना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स इस योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इस नोट में वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी लिखा है कि वर्षों से दिए जा रहे कर मुक्त विकलांग पेंशन के मामले में ये देखा गया है कि रहन सहन की वजह से होने वाली बीमारियों के लिए भी सैनिक इस पेंशन की सुविधा ले रहे हैं। अगर इस ट्रेंड पर रोक नहीं लगाई गई तो एक चिंता का विषय है। और चलते चलते सीतारमण ने देश की सुरक्षा का मसला भी अपने नोट में लेकर आया। उन्होंने कहा है कि जब देश की सुरक्षा को चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हों, उस समय आर्मी के लिए विकलांग लोगों का इतनी बड़ी संख्या में रैंक और फाइलों में रखना मुनासिब नहीं है। इंडियन आर्मी ने भी निर्मला सीतारमण की इस बात का समर्थन किया है। आर्मी ने ट्वीट किया है कि भारतीय सेना अपने उन सभी स्टाफ को लेकर फिक्रमंद है जो नौकरी के दौरान युद्ध या अन्य कारणों से बाहर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए वे अतिरिक्त मदद चाहते हैं, आर्मी ने लिखा है। साथ ही साथ उन लोगों का उत्साह कम भी करना चाहती है आर्मी जो अपनी विकलांगता की वजह से वित्तीय लाभ पाना चाहते हैं। विकलांग सैनिकों के पेंशन पर लंबे समय से बहस होती रही है। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार क्या विकलांग सैनिकों के पेंशन को करमुक्त नहीं कर सकती है? ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पे अगर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है Google Play Store पे, उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियो, सारे किस्से, कहानियाँ, सब कुछ सबसे पहले मिलेंगे। कैमरे के पीछे रूहानी है, देखते रहिए dilalantop.com। शुक्रिया।